कनाडा के पिनिपिग सिटी में भारत से फरार एक और खालिस्तानी गैंगस्टर की हत्या हो गई। पंजाब से फरार होकर कनाडा में बैठे ए कैटेगरी के गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनुके की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी सुखा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था और NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। सुखा कनाडा में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी या उगाही का काम भी करता था। सुखा दुनुके ने कनाडा भागने के लिए 2017 में जाली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जबकि उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस वालों से मिलीभगत करके उसने कनाडा का वीजा हासिल कर लिया था। दुनुके के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। पंजाब पुलिस के 2 कर्मियों पर उसकी मदद करने का आरोप लगा था। बाद में उन्हें मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कहा जा रहा है कि सुखा दुनुके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा फीड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंस्टा फीड का पेज फॉलो कीजिए।